मानो या ना मानो, कोमा में रहते हुए माँ ने दिया बेटी को जन्म। माँ तो आखिर माँ ही होती है, इससे बढ़कर दुनिया में कौन है। माँ की ममता की शक्ति के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। एक बार फिर से ये बात सच कर दिखाई है एम्स की सुपर मॉम की कहानी ने। नमस्कार, हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली इस 23 साल की महिला की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक सड़क दुर्घटना के चलते 7 महीने तक अचेत अवस्था यानी कोमा में अस्पताल में रही, जिंदगी और मौत से जूझ रही इस महिला ने बीते हफ्ते दिल्ली के एम्स में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। सड़क दुर्घटना के चलते महिला की हालत काफी गंभीर थी, उसके सिर पर कई चोटें आई थी, यहाँ तक कि उसे कई सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि अगर महिला ने हेलमेट पहना होता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। महिला 31 मार्च को अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रही थी, उसने इस दौरान हेलमेट नहीं पहन रखा था, तभी सफर के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट ना होने के चलते उसके सिर पर कई चोटें आईं। दिल्ली के एम्स में उसका इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद से ही वह कोमा में पड़ी है। बच्चे को जन्म देने के बाद उसने आंखें तो खोली लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह कोमा में रहते हुए भी सुपर माँ ने अपनी बेटी को हेल्दी वे में जन्म दिया है, वो सच में यकीन से परे है। इस माँ की ममता को हमारा नमन। ऐसे ही अनोखी ही घटनाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए अपनी पसंदीदा हिंदी खबर डिजिटल के साथ।